सो हेलो फ्रेंड्स, रोना क्या। सो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि इमो में, यानी कि इमो ऐप्स के थ्रू, जब भी आप किसी को वॉइस कॉल करते हैं, जब भी आप किसी को ऑडियो कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके घर वाले या आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं, सो आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो अगर फ़ोन करते हैं इमो में, आपके इमो ऐप्स में अगर फ़ोन करते हैं, तो उस टाइम पर कॉल वेटिंग दिखाते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि उसके फ़ोन पे कॉल वेटिंग जो ऑप्शन है वो नहीं शो करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप वो कॉल वेटिंग वाले जो फंडा है उसको किस तरीके से उसके फ़ोन से हटा सकते हैं। सो चलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही ये ट्रिक्स काम आएंगे। अगर आधा वीडियो देखेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो काम नहीं करेंगे। सो कृपा करके ये वीडियो पूरा देखिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक और फिर से स्वागत करता हूं आपको टेन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, इट्स इंटरेस्टिंग नंबर चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ फन। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आपको चेक कर रहा है, कि आप किस टाइम पे ऑन होते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, एंड आप किसी के साथ बात करते हैं, कि उस टाइम पे कौन आपको कॉल करते हैं। सपोज मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, एंड आपको बॉयफ्रेंड जो है वो घंटे घंटे में फ़ोन करके देख रहे हैं कि आप किसके साथ बात करते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते हैं, ये सारे देखते हैं वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे। सो गाइस, सबसे पहले उसका नंबर जो है वो अपना इमो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से डिलीट कर दो, ठीक है। सो इमो कॉन्टैक्ट लिस्ट से किस तरीके से आपके नंबर को डिलीट करेंगे, यानी कि आपके बॉयफ्रेंड के नंबर डिलीट करेंगे, इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, उस वीडियो को देख लो। एंड उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप इमो का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट से किस तरीके से आप किसी का नंबर जो है उसको इरेज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सो उसके बाद गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कॉन्टैक्ट डिलीट कर देंगे तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा आपके इमो सेटिंग्स में, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको इमो प्राइवेसी में। सर, प्राइवेसी में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस कॉल ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें क्लिक करके माई कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, ये माई कॉन्टैक्ट कॉल का जो ऑप्शन है वो माई कॉन्टैक्ट क्यों करें। अगर गाइस आप आपके कॉल का ऑप्शन को माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके इमो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर है वही सिर्फ आपको इमो में कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जिसका नंबर आपके इमो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है वो आपको कॉल नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नंबर जो है वो इमो कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दिए हैं, तो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको कॉल नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको इमो पे फिर से ऐड कर लेते हैं। तो जब ही आप उसको इमो में फिर से ऐड कर लेंगे उसके बाद ही वो आपको कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। में ये सवाल आते हैं, वो दूसरा अकाउंट से मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन गाइस वो अकाउंट से भी आपको वो कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके इमो का जो कॉलिंग ऑप्शन है वो आप एवरीवन को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ माई कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो इस टाइम पे क्या होता है, जो दूसरे नंबर से वो आईडी क्रिएट करके आपको कॉल करते हैं, कॉल करेंगे, ये जो आपका जो टेंशन है ये इधर खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे, कॉल करेंगे, उसके बाद कॉल करने के बाद गाइस आपको फिर से, आपको कॉल कट करने के बाद फिर से आपको इमो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। जाने के बाद उधर प्राइवेसी जो ऑप्शन है उसमें जाना पड़ेगा। जाने के बाद गाइस वो जो कॉलिंग ऑप्शन जो है उस कॉलिंग ऑप्शन को आपको एवरीवन कर देना पड़ेगा। इधर ये पूछेंगे कि क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप उसके नंबर फिर से इमो पे ऐड करते हैं तो उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएंगे कि ये बंदी या आपके गर्लफ्रेंड जो है वो फिर से आपको इमो पे ऐड किए हैं, आपके नाम जो है वो शो करके उसके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। सो इस टाइम पे क्या होता है, वो आपको तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों आप मुझे क्यों इमो से डिलीट किए थे। सो ये सवाल ना उठे तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा वो जो कॉलिंग ऑप्शन है उसको एवरीवन कर दीजिएगा। आप आपके प्रोफाइल अगर माई कॉन्टैक्ट में सेट करके रखे हैं उसको आप एवरीवन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। सो इसी वजह से वो आपके प्रोफाइल पिक्चर देख नहीं पाएंगे। सो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लास्ट स्ट्रिंग जो है, आपके प्रोफाइल पिक्चर जो है, आपके कॉल जो है, ये सारे जो ऑप्शन है इसको माई कॉन्टैक्ट में, माई कॉन्टैक्ट से शिफ्ट करके एवरीवन कर देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस
आपके बॉयफ्रेंड या आपके घर वाले या आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसके नंबर आपके ईमो आईडी पे नहीं है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का ट्रिक्स आपको समझ में आए, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइज, इस वीडियो के लिए मैं 10 लाइक जो है वो डिमांड करता हूँ। आशा करते हैं कि आप ये लाइक पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।